हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज के कंप्रेसर के बारे में कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और इसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्लाइमीटर है, इसको हम टेस्टिंग मोड पर डालते हैं, बजर वाले पे, जिस पे 200 ओम्स लिखा रहता है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इसमें तीन पॉइंट होते हैं, दो स्ट्रेट होते हैं और एक ऊपर होता है। ये हमारा कॉमन होता है, ये रनिंग होता है, और लेफ्ट साइड का जो होता है वो स्टार्टिंग का होता है। इन तीनों पॉइंटों से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो हम कंप्रेसर को चेक करते हैं, इसके लिए पहले हम अपने मीटर को चेक करते हैं, हमारा बोल रहा है ये। तो इसको चेक करने के लिए यह है कि हमारे इसमें जो तीन पॉइंट है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, इसमें हम एक नॉब जो है कॉमन पे रखते हैं, दूसरी प्रॉब जो है हम रनिंग पे रखते हैं, तो हमारा कंटिन्यूटी बोलती है। फिर दूसरी स्टेप में इसी पे ही कॉमन पे रखेंगे, दूसरा स्टार्टिंग पे रखेंगे तो भी हमारी कंटिन्यूटी बोलेगी, और हम रनिंग स्टार्टिंग पे भी टच करेंगे तो भी हमारी कंटिन्यूटी बोलेगी। इसका मतलब यह है कि हमारे तीनों पॉइंट बोल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर शॉर्ट है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम किसी भी प्रॉप, अपनी प्रॉप को किसी भी पॉइंट पर रख के इसकी बॉडी अर्थिंग पर टच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बॉडी पर नहीं बोल रहा है ये, दूसरे पे भी रख के देखेंगे ऐसी, इस पे भी नहीं बोल रहा है, तीसरे पे भी रख के देखेंगे तो इस पे भी नहीं बोल रहा है। यानी कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, तीनों प्रॉब, तीनों पॉइंट पे हमने प्रॉब रख के देखी तो उस पे भी हमारा मीटर नहीं बोल रहा है। तो यानी कि हमारा कंप्रेसर शॉर्ट नहीं है, हमारा कंप्रेसर ओके है। तो इसको चलाने के लिए, हमें रिले और ओवरलोड की ज़रूरत पड़ती है। ये आपकी रिले है, ये DRB19 इसकी रिले है। तो इसको लगाने से पहले हम रिले को भी ओवरलोड को भी चेक करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि इसको कैसे चेक करते हैं। पहले हम अपना मीटर चेक कर लेते हैं, ये बोल रहा है। इस रिले को चेक करने के लिए आप देखिए साइड में यहाँ पे दो होल होते हैं, जो हमारा एक रनिंग पे लगता है, दूसरा स्टार्टिंग पे लगता है। तो आप किसी पे भी यहाँ पे ऊपर जहाँ थिम्बल लगता है, हमारी वायर लगती है, इस पर लगाइए एक प्रॉप को, दूसरी प्रॉप इसके अंदर टच करिए तो हमारी कंटिन्यूटी बोल रही है, दूसरे पे भी टच करिए तो हमारी कंटिन्यूटी बोल रही है, यानी कि हमारी ये रिले सही है। इसी तरीके से ओवरलोड को चेक कर लेते हैं, हमारे ओवरलोड भी सही है। तो इस तरीके से हम रिले चेक करते हैं, रिले ओवरलोड। अब इसको जो है रिले को, जो हमारे ये पॉइंट होता है सबसे ऊपर का, जो सिंगल पॉइंट होता है, एक तो दो स्टेट में होता है, रनिंग स्टार्टिंग का, कॉमन का ऊपर होता है, तो हम इसको ओवरलोड को जो है ऊपर के पॉइंट पे लगाएंगे इस तरीके से। और जो रिले है ये दोनों होल को ध्यान रखना है, ऊपर की साइड रहना है, नीचे की साइड फ्लैट रहना है, होल वाला हिस्सा ऊपर रहना है। तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। कॉमन की तो ओवरलोड पे लगाई जाएगी, और रिले पे जो है हमारा फेज जो दिया जाएगा रनिंग का, वो हमेशा राइट साइड में दिया जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर की रनिंग राइट साइड में होती है, स्टार्टिंग जो है लेफ्ट साइड में होती है। तो राइट साइड में ही देनी है, तब हमारा कंप्रेसर सही चलेगा और एम्पियर कम आएंगे। अगर हम स्टार्टिंग पे लगाते हैं तो हमारा कंप्रेसर एक तो एम्पियर थोड़े से ज़्यादा लेगा, और वो कुछ सेकेंड बाद ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होने का। तो अब हम इसको चलाते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा कंप्रेसर चल गया है। इसमें तीन पाइप होते हैं, दो हमारे सेक्शन के होते हैं ये, और एक जो है ये इधर दिखाओ, ये वाला जो पाइप होता है ये सेक्शन का होता है, इधर ये भी सेक्शन का होता है, और ये वाला जो पतला पाइप होता है इसमें, वो हमारा प्रेशर का होता है इस टाइप का। तो इसमें जो प्रेशर हमारा बनता है कंप्रेसर का, वो बनता है 500 PSI, यानी 500 PSI इसका प्रेशर जो है बिल्कुल सही होता है। अगर 450 किसी कंप्रेसर का प्रेशर अगर घट जाता है, 450 रह जाता है, तो भी हमारा चल जाता है, बट उसमें हमें गैस जो है थोड़ी ओवर करके चलानी पड़ती है। तो जो उसका परफेक्ट कंप्रेसर का जो प्रेशर होना चाहिए, वो 500 PSI ही होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।